सो हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। सो गाइज, मैं हूँ देवपाल और आज की इस वीडियो में गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फोन पे वॉलेट के पैसे को आप सीधे बैंक अकाउंट में कैसे भेज सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, मैं आपको बताऊंगा कि आप 2022 में फोन पे वॉलेट के पैसे को आप इंस्टेंट अपने बैंक अकाउंट में कैसे भेज सकते हैं। तो गाइज आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को कम्प्लीट जरूर देखिए, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लाइक जरूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो अब गाइज, आपको अपने फ़ोन पे वॉलेट का पैसा अपने बैंक अकाउंट में भेजने के लिए आप सबसे पहले अपना फ़ोन पे एप्लीकेशन ओपन करेंगे। अब जैसे फ्रेंड आपका फ़ोन पे एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब गाइज आपको इस पेज को स्क्रॉल डाउन करते हुए थोड़ा नीचे ले जाना है। अब जैसे ही आप पेज को स्क्रॉल करेंगे तो अब यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा इन्वेस्टमेंट का, और इसी में देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा गोल्ड का, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे गोल्ड पर। और अब जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा बाय गोल्ड का, या फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो अब गाइज आप वहां बाय गोल्ड पे क्लिक करेंगे या फिर आप यहां बाय मोर पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप बाय गोल्ड या फिर बाय मोर पे क्लिक करेंगे तो अब यहां से गाइज आपको गोल्ड परचेज कर लेना है। तो देखिए गाइज यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा गोल्ड परचेज करने के लिए, यहाँ से देख लिखा है बाय इन रुपीज़ और यहाँ से देख लिखा है बाय इन ग्राम्स। अब गाइज आपको सबसे पहले इस वाले ऑप्शन को चूज करना है बाय इन रुपीज़, और इस ऑप्शन को चूज कर लेने के बाद गाइज अब आपके फ़ोन पे वॉलेट में जितना भी पैसा है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। जैसे मान लीजिए फ्रेंड, अगर आपके फ़ोन पे वॉलेट में 50 रुपये है और आप चाहते हैं कि आपका टोटल 50 रुपये जो है आपके बैंक अकाउंट में चला जाए, तो आप यहाँ 50 रुपये का गोल्ड परचेज कर लेंगे एंटर करके। तो गाइज मेरे फ़ोन पे वॉलेट में 10 रुपये है, तो चलिए यहाँ से अपने 10 रुपये का गोल्ड परचेज कर लेता हूँ। अब जैसे ही आप यहाँ अमाउंट एंटर करेंगे तो आपको इस अमाउंट में कितना ग्राम सोना मिलेगा वो यहाँ पर शो होगा। तो अब गाइज आप यहाँ बाय पे क्लिक करेंगे। अब गाइज जैसे आप वहां क्लिक करेंगे तो अब यहां से देखिए गाइज आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, और यहां से पूछेगा कि आप ये जो 10 रुपये हो कहां से कटाना चाहते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है दोस्तों फोन पे वॉलेट यहां पे क्लिक रहेगा, ये सेट रहेगा यहां पे, तो आपको ऐसे ही रहने देना है। अब आप यहाँ बाय पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप बाय पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ से देखिए गाइज आपका जो गोल्ड होगा वो सक्सेसफुली परचेज हो जाएगा। यहाँ से देखिए मेरा गोल्ड परचेज हो चुका है। अब आपको गाइज यहाँ से बैक आ जानी है। अब गाइज आपको दोबारा अपना गोल्ड वाला सेक्शन यहां से ओपन कर लेना है। तो उसके लिए गाइज आप दोबारा इन्वेस्टमेंट में जाएंगे और वहां गोल्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पे गाइज देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा सेल का, तो आप यहां सेल पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब गाइज आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ से देखिए गाइज आपको दो ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से देखिए पहला लिखा है सेल इन रुपीज़ और यहाँ से दूसरा लिखा है सेल इन ग्राम। तो अब गाइज आप इस ऑप्शन को सेल इन रुपीज़ पे रहने देंगे। अब यहाँ से गाइज आप ऊपर देखिए सेफ गोल्ड लिखा हुआ है, और यहाँ से गाइज आपके गोल्ड का कितना वैल्यू है वो यहाँ पर शो होगा। जैसे कि यहाँ से देखिए शो हो रहा है 13 रुपीज़ एंड 92 पैसे। तो अब गाइज आप यहाँ सेल इन रुपीज़ पे रहने देंगे। अब यहाँ से गाइज ऊपर आपको जो अमाउंट शो हो रहा है 13 रुपीज़ 92 पैसे, तो आप गाइज इस अमाउंट को यहाँ एंटर करके आप उसको अपने बैंक भेज सकते हैं। तो चलिए गाइज यहाँ से मैं अपना अमाउंट एंटर कर देता हूँ 13 रुपीज़ 92 पैसे। अब जैसे ही आप यहाँ अमाउंट एंटर करेंगे तो उस अमाउंट में आपका कितना गोल्ड यहाँ से सेल होगा यहाँ से होगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब गाइज यहाँ से आप अपना अमाउंट डालने के बाद आप यहाँ सेल पे क्लिक करेंगे। अब जैसे गाइज आप सेल पे क्लिक करेंगे तो ये कंफर्म करने के लिए कहेगा, तो आप यहाँ कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। लेकिन गाइज यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपके फ़ोन पे में अगर मान लीजिए आपका कई सारा बैंक अकाउंट ऐड है, तो यहाँ पे आपका जो प्राइमरी बैंक अकाउंट होगा उसी में आपका जो पैसा होगा वो जो है उसी में क्रेडिट होगा। तो अब गाइज आप यहाँ कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो गोल्ड होगा वो सक्सेसफुली यहां से सेल हो जाएगा, और वहां से फ्रेंड आप जो अमाउंट एंटर किए हैं वो अमाउंट आपके उस बैंक अकाउंट में इंस्टेंट क्रेडिट हो जाएगा। सो गाइज ये एक प्रोसेस होता है कि आप फोन पे वॉलेट के पैसे को आप सीधे बैंक अकाउंट में इंस्टेंट कैसे भेज सकते हैं। तो आई होप गाइज कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स में, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।